बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे। बाल्य अवस्था खेल गवायो, बाल्य अवस्था खेल गवायो, जब जौवन तब मान घनारे, जब जौवन तब मान घनारे, बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे। लोभे कारण जन्म गवायो, लोभे कारण मूल गवायो, लोभे गवायो, अजहु न गई मन ई तृष्णा रे, अजहु न गई मन ई तृष्णा रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, पार उतरे गए संत जनारे, पार उतरे गए संत जनारे, बीत गए दिन भजन बिनारे, भजन बिना, बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे। बाल्य अवस्था खेल गवायो, बाल्य अवस्था खेल गवायो,
प्रेम से बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय। आइए मात्र दो मिनट ही बोलेंगे हमारे गौर संत वांकी, आशीर्वाद देंगे और समाप्त करते हैं, आरती की ओर सोहर मंगल की ओर चलेंगे। बोलिए सतगुरु देव की जय। दो मिनट मुझे कहें, फिर पांच मिनट ऑफर आया, फिर दस मिनट का ऑफर आया है। अब बैठेंगे आप लोग कितना देर? आधा घंटा बोलूंगा, ज्यादा नहीं। बोलिए सतगुरु देव की जय। आज बड़े ही सौभाग्य की बात है कि श्री लेखराम साहू एवं उनके साथी डिंपल, उनकी प्रथम पुत्री के रूप में बच्ची, आज उसी के संस्कार के लिए एक शिशु संस्कार के रूप में यह प्रोग्राम है। किसी के बच्चे हो जाने मात्र से कोई माँ और पापा नहीं बन जाते हैं, किसी के मात्र बच्चे हो जाने से कोई माँ और पापा नहीं बन जाते हैं। जब तक अपने दायित्व को आप नहीं निभाते हैं, तब तक आप माँ और पापा नहीं बन सकते हैं। दायित्व को निभाना मतलब उनके जीवन में वो संस्कार अर्जित करना, वो संस्कार कूट कूट के भरना कि आगे चल करके वो बच्चा कह सके कि मैं कैसे माँ और बाप के कोख से जन्म लिया, जिसके बदौलत आज मैं इंसान हूँ, जिसके बदौलत मैं आज सुंदर जीवन का निर्माण कर रहा हूं। यदि आप अपने बच्चे को सब कुछ दिए और संस्कार नहीं दिए तो सब कुछ देना बेकार चला जाएगा। यदि आपने अपने बच्चे को गाड़ी दिए, मोबाइल दिए और संस्कार नहीं दिए तो सब बेकार चला जाएगा। इसलिए आप अपने बच्चे को गाड़ी ना दे, मोबाइल ना दे तो चलेगा, लेकिन संस्कार नहीं देंगे तो आपके बच्चे आपको रुलाएंगे और जीवन भर रोएंगे। इसलिए बच्चे के जन्म लेने मात्र से कोई माँ बाप नहीं बनते हैं, जब तक अपने दायित्व को ना निभाए। दायित्व को निभाने का मतलब होता है जीवन भर उनके अंदर अच्छे संस्कारों को अर्जित करना। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं उसमें से पुरुष वर्गों से कम 50% या 75% लोग तो गुटखा और तंबाकू जर्दा से भरा रहता है मुंह। क्या ऐसे लोग माँ बाप अपने बच्चे को संस्कार दे पाएंगे? कबीर की याद करते हैं, सत्संग सुनते हैं, जीवन में परिवर्तन नहीं आता है। कबीर सत्संग रो कर रहे हैं, घंटों पूजा कर रहे हैं, घंटा हिलाने से जीवन नहीं बदलता है। गुटखा खा रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, जीवन में परिवर्तन नहीं हो रहा है, कुछ नहीं होने वाला है इससे। यदि आप किसी की पूजा न करते हो और जीवन में परिवर्तन है, आपका जीवन में एक नए चमक है, जीवन में एक नए रोशनी है, जीवन में एक नए उमंग है, वास्तव में आप एक इंसान कहला सकते हैं और एक अच्छे माँ बाप कहला सकते हैं। और जीवन में परिवर्तन नहीं है, वही सड़ी सड़ी गले बातों को रोज रोज करके जीवन में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, पति पत्नी लड़ रहे हैं, सास बहू लड़ रहे हैं, देरान जेठाल रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो बच्चे को अच्छा संस्कार आप नहीं दे सकते हैं। और अच्छा संस्कार का मतलब यही है कि आपके बच्चे आपसे वो सीखे जो आप करते हैं, आपके बिना सिखाए। इसलिए जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अपने जीवन में एक नई क्रांति लाइए। जीवन में ऐसे दुर्व्यसन, दुरुपयोग, दुराचार, दुर्व्यवहार न करें जिससे आपके बच्चे आपसे ही पूछे कि आप क्या करते हैं, तभी आप अच्छे माँ बाप कहला सकते हैं। बस इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सतगुरु देव की जय। चलिए आप सब लोग एक जोरदार जयकारा लगाइए, प्रेम से बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की, अपने अपने माता पिता की, और ताली भी बजा दीजिए, थोड़ा ढंग से बजाइए। पहली बार बोला हूँ मैं आज के इस कार्यक्रम में ताली बजाने के लिए। आप लोगों ने एक चीज ध्यान दिया,
मैंने कहा था दो मिनट, पूरा फिक्स दो मिनट में समाप्त कर दी बात। यही खासियत है हमारे संतों का, टाइम इज टाइट वेट फॉर नोन वाले हैं ये सब, बिल्कुल टाइम से बंधे हुए, एकदम पंक्चुअल है ना। और जिस व्यक्ति का जीवन समय से बंधा है निश्चित रूप से वो सफल जीवन जीते हैं। और कबीर पंथ के पारक सिद्धांत में हमारे जितने भी संत हैं बिल्कुल टाइम के पाबंद लोग हैं, ये लोग समय से बंधे हुए लोग हैं। और संतों के हिसाब से अब सोने का समय हो चुका है, इसलिए ज़्यादा विलंब ना करते हुए भाई आपसे निवेदन करूंगा कि आप आलती की थाली लाए हैं कि नहीं लाए हैं। तो लाए हैं तो आप आइए और फिर सोहर मंगल करेंगे। इसके बाद में पहले सब मिल करके साधु संतों की पूजा कर लें और पूजा के बाद में फिर सोहर मंगल का कार्यक्रम करके फिर समाप्त करेंगे इस कार्यक्रम। पूरे परिवार के लोग आ जाएं और सब लोग आरती में सम्मिलित हो जाएं।